पहलवानों को प्रदर्शन जंतर मंत्र पे चल रहा है और आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आपने बातचीत की और क्या कहा पहलवान ने आपसे? देखो, हमने ये कहा है कि रिपोर्ट दर्ज हुई है, देश में अगर किसी के भी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, या तो ये कहो कि गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर किसी की गिरफ्तारी ना हो, कोर्ट ये ऑर्डर दे दें या सरकार पार्लियामेंट में ये पास कर लें कि भाई किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, पासको में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में जांच होगी, पहले जब गिरफ्तारी होगी तो फिर किसी की भी ना हो, अगर दूसरे की होती है तो फिर इनकी भी हो जाए। अब यही इनका क्वेश्चन है। पहलवानों ने आपसे क्या कुछ बताया? यही बताया उन्होंने, 7 लड़कियों ने अभी सामने आई है, उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी जांच होनी चाहिए। सर, एक सवाल और है कि जिस प्रदेश से आप आते हैं वहाँ पे निकाय चुनाव चल रहा है, किस तरीके से आप निकाय चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि परसों पहले स्तर का मतदान होना है, पहल चरण का? ये बेईमानी करेंगे जैसे विधानसभा में करी, बेईमानी करेंगे। 140 सीट नंबर 2 से जीती इन्होंने। एक सवाल और है कि जिस तरीके से अगर बात की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज प्रयागराज पहुंचे थे, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है? हाँ, डर में तो बेहतर है, डर बेहतर है। ये किसान नेता राकेश टिकैत हैं जो कि खुलकर स्पष्ट कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बात जरूर कही है कि जिस तरीके से तमाम सारे खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं, बृजभूषण शरद सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी है, तो बृजभूषण शरद सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको लेकर के जवाब जरूर देना चाहिए। कृष्ण गोपाल के साथ अविनाश तिवारी, प्रियंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।